चौमू थाना पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर रात के समय ओला कैब बुक कर लूट करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद चारों आरोपी कार को लूटकर पंजाब फरार हो गए थे। पुलिस ने टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल मदद से आरोपियों का पीछा करते हुए पंजाब से गिरफ्तार किया है। चौमू थानाधिकारी विक्रांत शर्मा ने बताया कि पीड़ित अजय कुमार पुत्र महावीर प्रसाद नाई निवासी श्रीनिवास नगर रोड नंबर 6 VKI मुरलीपुरा ने पुलिस थाने में 30 जून 2023 को एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में बताया कि इटियोस टोयोटा गाड़ी से सवारी छोड़कर सुजानगढ़ से सीकर की ओर आ रहा था। उस समय रास्ते में मोबाइल फोन पर ओला ऑनलाइन कैब से बुकिंग मिली कि सवारियां जयपुर रेलवे स्टेशन पर छोड़नी है। उन्होंने फोन करके सीकर बस स्टैंड के पास बुलाया, जिसके बाद ड्राइवर सवारी लेकर रवाना हो गया। इसके बाद चौमू के हाड़ोता चौराहा क्रॉस करने के बाद रात करीब 11:30 बजे कार में पीछे बैठे लड़कों ने ड्राइवर के गले पर चाकू लगाया और पास में बैठे लड़के ने सिर पर पिस्टल तान दी और गाड़ी उनके हिसाब से चलाने के लिए बोलने लगा। इसके बाद गाड़ी धीरे धीरे चलाना शुरू किया और मौका पाकर चलती गाड़ी से कूद गया। इस दौरान गिरने के हाथ और सिर में चोट लगी, जिसके बाद आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गया। गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया, जिस पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल मदद से कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपी से लूटी गई कार भी बरामद कर ली गई है। आरोपी सुरेश जाट के खिलाफ कोतवाली सीकर उद्योग नगर सीकर और कुचामन सिटी नागौर के पुलिस थाने में चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं। इन आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपी गौतम शर्मा उर्फ गोरू पुत्र गुरुदेव जी शर्मा निवासी इस्लामगंज जालंधर पुलिस थाना डिवीजन नंबर 4 जिला जालंधर पंजाब। सुरेश कुमार जाट पुत्र लादूराम जाट निवासी ग्राम जेतपुरा पुलिस थाना नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर। राजेंद्र मीणा पुत्र मोहनलाल मीणा निवासी ग्राम बिजोटा पुलिस थाना हनुमानगढ़ तहसील जहाजपुर जिला भीलवाड़ा। सरदार गुज्जर पुत्र मदनलाल गुज्जर निवासी गांव बिचून पुलिस थाना फुलेरा जिला जयपुर को गिरफ्तार किया है।